नमस्कार जी, स्वागत है आपका अंजरा राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं हरी मिर्ची के पकोड़े। तो हरी मिर्ची को हमने अच्छे से धो के ले लिया है। अब हम इसमें बीच में से कट लगा लेंगे, ऐसे करके कट लगा के हम इसको ऐसे देख लेंगे। अंदर से ख़राब तो नहीं है हमारी मिर्ची, अंदर से ख़राब नहीं है। अब हम ऐसे ही दूसरी मिर्ची को भी हम कट लगा लेंगे। ऐसे ही हम सारी मिर्ची काट के चेक कर लेंगे। अब हमने सारी मिर्ची को कट लगा लिया है। अब हमने मिर्ची में भरेंगे मसाले। तो हमने जो मसाला लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है अमचूर, गरम मसाला और नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मिर्ची में कट लगाया हुआ है, हमने मिर्ची के बीज नहीं निकाले। अगर आपको निकालने हो तो आप निकाल हो सकते हैं, पर हमने नहीं निकाले। अब हम इस मसाले को ऐसे मिक्स करके इसमें मिर्ची में भर देंगे, ऐसे करके। जब हम मिर्ची के पकोड़े खाएंगे तो इसमें नमकीन और खट्टा स्वाद टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। आप भी एक बार इसको ऐसे बना के देखना, ट्राई करना, खाने में बहुत टेस्टी होता है। ऐसे ही हम दूसरी मिर्ची में भी इस मसाले को भर लेंगे, ऐसे करके हम सारी मिर्ची में मसाले भर के ले लेंगे। तो हमने सारे में मिर्ची में मसाला भर लिया। अब हम बेसन का घोल बनाएंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम लेंगे बेसन। बेसन हमने डेढ़ कटोरी बेसन लेना है। ये हमने डेढ़ कटोरी बेसन ले लिया है। अब हमने बेसन ले लिया है डेढ़ कटोरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। हम नमक डालेंगे इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसको हम ऐसे क्रश कर लेंगे और हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जो भी ऐसे गुटलियाँ सी होती हैं वो ऐसे मिक्स करने से एकदम मुलायम हो जाती हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करेंगे पानी ऐड। ऐसे करके हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी का टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें कलर भी अच्छा आता है। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स कर लेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से और मिक्स करने से ये होता है कि ये जो बेसन में लम्स बनती हैं, इसकी गुटलियाँ बनती हैं, वो नहीं बनेगी। हम ऐसे ही इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसका घोल बना लेंगे। हमने गाढ़ा घोल बनाना है इसका, एकदम पतला नहीं बनाना, वो मैं आपको अब आगे बता देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, फिर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। अब हमारे बेसन में एक भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जब आप मिर्ची के पकोड़े खाते हैं तो। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा बेसन का घोल बन के तैयार हो गया है। अब हम मिर्ची के पकोड़े बनाएंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची फ्राई करने के लिए तेल। हमने रिफाइंड तेल लिया, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप उसमें बना सकते हैं। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। अब हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मिर्ची ली हुई है, वो हम इसको इसमें ऐसे करके डीप कर लेंगे, ऐसे करके। फिर हम इसको डीप करके कढ़ाई में डाल देंगे। अब ये हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम इस गर्म तेल में डाल देंगे हम जो हमने मिर्ची के पकोड़े बना रहे हैं, वो हम इसमें डाल देंगे, ऐसे करके। ऐसे ही हम दूसरी मिर्ची भी डाल देंगे इसमें। आप भी बना के देखना, आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी हरी मिर्ची आ रही है पकोड़े वाली, बना के देखना। इस तरीके से बना के देखना, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ऐसे
अब हम इसको एक साइड से थोड़ा फ्राई होने देंगे, फिर हम दूसरी साइड पलट देंगे। हम इसको दूसरी साइड पलट देंगे मिर्ची को ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पलट देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पकने देंगे। ऐसे ही हम सारी मिर्चियाँ फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारी मिर्ची पकौड़े वाली फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ऐसे करके। ऐसे ही हम सारी मिर्च फ्राई कर लेंगे। ऐसे करके हमने सारी मिर्चियां फ्राई कर ली हैं। अब ये हमारे सारे मिर्ची के पकोड़े बन गए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरे ये मिर्ची के पकोड़े अच्छे लगे हो तो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।